Hey people, hey Fox, this is me Raven Abhihals with my lovely son, Mr. अभी हमने इसका नाम नहीं रखा है, सोच के नाम बताइए. सो अभी एक न्यू न्यूज़ आई है जिसमें बताया गया है कि मर्दानी 2 जो कि किसकी भी फिल्म है बेटा. Whose film is this? Who is the main actor or actress in this movie? Can you tell me? बेटा, tell me बेटा, tell me. So this is a movie by I don't know who is the director, who is the producer, who is the writer, but the lead role, इस मूवी में लीड रोल में है रानी मुखर्जी और उन्होंने ये फिल्म बनाई है महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और अन्याय के खिलाफ. उनकी कहानी का मेन इसमें प्लॉट ये है कि एक साइको बंदा होता है जो रात में शहर की गलियों में घूमता है, लड़कियों का पीछा करता है और फिर उनका रेप करता है. तो इस तरह की कुछ इसमें स्टोरी है. सबसे मुख्य बात निकल के आती है कि जो स्टोरी है उसमें जो सिटी दिखाई गई है वो राजस्थान की कोटा सिटी है. अब कोटा सिटी में काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपने कई बार न्यूज़ मीडिया में भी देखा होगा और इस पर एक सीरीज भी आई थी अभी, वेब सीरीज. कोटा में काफ़ी सारे IIT JEE के एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है IIT JEE का, जिससे BTech होती है फिर IIT में, और इसके अलावा जो मेडिकल MBBS के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, पहले उसको EIPMT कहते थे, अब NEET UG कहते हैं. सो उसके काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और उनके लिए फेमस है राजस्थान में कोटा, एक सिटी का नाम है कोटा. सो हुआ क्या कि उस मर्दानी 2 मूवी में, अभी हालांकि उसका अभी कुछ ही दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुआ, कुछ इस तरह का दिखाया गया है मर्दानी 2 मूवी में राजस्थान की कोटा सिटी को बताया गया है. हालांकि डिस्क्लेमर आता है कि ये फिल्म पूर्णतः एक फिक्टिशियस कहानी के ऊपर आधारित है, मतलब कि इसका कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है. अगर संबंध निकलता है तो वो एक कोइंसिडेंस है, महज संयोग है. पर इन्होंने एक रियल सिटी का नेम यूज किया, वो गलत आता है आप उसमें. सो इसलिए जो कोटा के मेन बिजनेसमैन थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने नोटिस दिया है ओम बिड़ला जी को. ओम बिड़ला भी स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं अपने संसद के, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. सो वो वहां से सांसद हैं कोटा से, जी हाँ वो वहां से सांसद हैं, और उनको नोटिस दिया गया है कि इस मूवी में से कोटा सिटी का नाम हटाया जाए, इससे हमारी शहर की रेपुटेशन खराब होती है. जी हाँ बिल्कुल, सिटी की रेपुटेशन तो खराब होती ही है जब आप सिटी के बारे में ऐसी बातें करते हैं कि वहाँ पर इतने सारे क्राइम्स हैं, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ क्राइम्स होते हैं. तो कोटा को दिखाना गलत है. जब आप बता रहे हैं कि फिल्म फिक्टिशियस, मतलब कि मनगढ़ंत कहानी है जिसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और ना ही कोई लेना देना है, तो आपने रियल नेम क्यों यूज़ किया? सो ये बात आती है निकल के. सो देखते हैं कि नाम चेंज होता है कि नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस. इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन. से बेटा हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, नियर एंड डियर. कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू थिंक की फिल्म में कोटा से नाम बदल के क्या रखना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.